दिल्ली में आज से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है बच्चों के लिए 15 से 18 साल के लिए। हम स्कूल में आने वाले सभी बच्चों को, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हों, उनको टारगेट कर रहे हैं। और साथ साथ अगर किसी बच्चे का कहीं हो सकता है कोई स्कूल में यहाँ ना पढ़ रहा हो, कहीं और पढ़ रहा हो, तो ऐसा नहीं है केवल दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को, जो भी बच्चा इस वक्त दिल्ली में है हम सबको टारगेट कर रहे हैं। और हमने जोन वाइज प्लान बनाया है इसका, अलग अलग जोन्स में हम गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। और हमारी योजना है कि धीरे धीरे करके एक एक स्कूल के अंदर हम इन कैंप्स को लगाएंगे। सर, अभी जैसे ओमिक्रॉन के केसेज भी बढ़ रहे हैं, 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया जाना, तो उससे पहले क्या ये आप लेकर चल रहे हैं कि बच्चों को वैक्सीन दे दें सभी बच्चों? ओमिक्रॉन हो या कोई और वायरस हो, वैक्सीन तो सबके लिए फ़ायदेमंद है। और अभी तो वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर जो जिस तरह से उसकी संख्या बढ़ती है, लेकिन उसके एवज में पिछले वायरस के मुकाबले हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ के मामले नहीं हैं, तो इसमें एक बड़ा हाथ, एक इस जो सफलता है वो वैक्सीन की है। सर, दूसरा मुद्दा है दिल्ली में आज पूरी दिल्ली इस तरह से जाम है, बीजेपी ने सबका जाम किया है, आबकारी नीति के विरोध में। भारतीय जनता पार्टी का शराब माफिया से गहरा नाता रहा है। दिल्ली में जगह जगह अवैध शराब बिकती थी, बहुत सारे इलाके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बना रखे थे जहाँ पे वो शराब की जो लीगल दुकानें हैं उनकी जगह अवैध दुकानें खोल के माफिया के साथ चलवाते थे। इससे जब नई नीति अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई, तो उससे 3,500 करोड़ रुपया जो चोरी हो रहा था वो चोरी रुक गई। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शराब माफिया दोनों 3,500 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी कर रहे थे, वो चोरी रुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द तो होगा ही। उनका आरोप है कि रिहायशी इलाकों में दुकानें जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो 3,500 करोड़ रुपए की चोरी में शामिल थी। केजरीवाल जी की नई आबकारी नीति से 3,500 करोड़ रुपए की जो चोरी भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता लोग और शराब माफिया मिलकर कर रहे थे, वो रुक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।